पड़ोसन दिन मत ना मेरी सोतन को स्टार्ट कर दिया। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? हेलो आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? आवाज आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? हेलो चलिए चलते हैं अब आगे इस यूनिट के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर, जो कभी कभी पर्सनली भी पूछ लेता है और बड़ी सिंपल लगेगी आपको, एक बार में ही याद हो जाएगी, एक बार में समझ में आ जाएगी कि एक्चुअली कार्नोट थ्योरम है क्या, कार्नोट प्रमेय क्या है। और मैं ये सजेस्ट करूंगी आप लोगों के लिए कि आप इसे मेरे साथ साथ नोट करें, क्योंकि नोट्स के अंदर आप देखेंगे तो थोड़ा अलग टाइप से हो रहा है, और आज मैं कुछ अलग टाइप से इसको करवाऊंगी आप लोगों को। थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हम करेंगे इसे। देखना, पहले तो हम इसके स्टेटमेंट की ओर चलें, क्योंकि सबसे पहले कोई थ्योरम होती है, मैं उसके कथन की बात करते हैं कि इस कार्नोट थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होगा। बच्चों पता है कार्नोट ने क्या कहा? आपको अच्छे से पता है कार्नोट साइकिल जो हम पढ़ के आए थे वो रिवर्सिबल साइकिल था, ध्यान है कि नहीं? उत्क्रमणीय चक्र था, एक उत्क्रमणीय चक्र था। साइकिल की बात करें तो हम इसके बारे में बात की थी, रिवर्सिबल साइकिल। इस स्टेटमेंट के बारे में, इसके दो स्टेटमेंट दिए गए, मतलब दोनों एक जैसे हैं, दोनों का मीन एक ही निकलेगा। मेन मतलब क्या है, वो चीज सिर्फ सिर्फ एक ही निकलेगी, बस इनको अलग अलग स्टेटमेंट किस प्रकार कहा गया। स्टेटमेंट में देखना, ये कहा गया, चाहे जितने भी इंजन काम कर रहे हों, जैसे दो टेम्परेचर है, सोर्स और सिंक। आपको पता है एक टेम्परेचर तो माना यहां पे मैंने ले लिया, ये सोर्स का टेम्परेचर है, ये सिंक का टेम्परेचर है। इसका टेम्परेचर माना T1 है, इसका टेम्परेचर माना T2 है। तो आपको भी पता है T1 इज ग्रेटर देन T2। लेकिन कार्नोट ने कहा, ये कार्नोट थ्योरम के अकॉर्डिंग कहा गया कि जब स्रोत और सिंक दोनों का ही टेम्परेचर इक्वल रहेगा, यानी कि स्रोत और सिंक के समान तापों के मध्य जितने भी इंजन कार्य करेंगे, जितने भी इंजन कार्य करेंगे, जितने भी इंजन कार्य करेंगे, उनमें जितने भी इररिवर्सिबल इंजन की बात करूंगी, जितने भी अनुत्क्रमणीय 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 इंजन जितने भी काम करेंगे, उन सब में सबसे ज्यादा दक्षता एक रिवर्सिबल साइकिल की होती है। और रिवर्सिबल में भी कौन सा? कार्नोट साइकिल। क्या कहा मैंने? जब स्रोत और सिंक के टेम्परेचर इक्वल रहेंगे, क्या रहेंगे? जब स्रोत और सिंक के बीच में चाहे जितने भी इंजन काम कर रहे हो, चाहे वो इरिवर्सिबल हो चाहे रिवर्सिबल हो, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल के बीच में बात कर रही हूं मैं, कंपैरिजन। माना मेरे दो चक्र हैं जिसमें स्योर, इसमें भी एक बार और क्लियर करें, ये स्योर्स है, ये सिंक है। मैडम बहुत डिस्टरबेंस होता है बोलते टाइम, भूल जाती हूँ वर्ड्स को। अब देखो,
ये दोनों टेम्परेचर क्या है, ये माना इक्वल है, इन दोनों के बीच में मानो मेरा एक तो मैंने इंजन लिया E1, क्या लिया एक तो इंजन लिया E1 और एक इंजन लिया E2, ये E1 इंजन माना रिवर्सिबल है, इधर से ये भी जा सकता है इधर से ये भी जा सकता है, यानी कि यहां से भी हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है और अगर चाहे तो सिंक से भी हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है, दोनों ही प्रोसेस में ये क्या हो गया रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। और एक इंजन जो E2 है माना वो इरिवर्सिबल है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि जब दो समान तापों के स्रोत और सिंक के बीच चाहे जितने भी इंजन इरिवर्सिबल इंजन कार्य कर रहे हो उनमें सबसे ज्यादा दक्षता कार्नोट साइकिल यानी कि रिवर्सिबल इंजन की होती है। पहला स्टेटमेंट तो यह था। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा था कि जब भी स्रोत और सिंक के बीच जितने भी उत्क्रमणीय इंजन कितने भी उत्क्रमणीय इंजन हो इन सब की दक्षता हमेशा बराबर रहेगी। क्या कहा मैंने, मैंने ये कहा पहला स्टेटमेंट क्या था कि माना स्रोत और सिंक हैं, अगर मैंने इनकी बात की कि दोनों के टेम्परेचर इक्वल हैं, तो ऐसे समय में जब कभी भी मैंने ये कहा तो फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग समान ताप के स्रोत व सिंक के बीच में अगर कोई इरिवर्सिबल यानी कि अनुत्क्रमणीय या उत्क्रमणीय इंजन दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो हमेशा दक्षता उत्क्रमणीय इंजन की अधिक होगी। क्या होगी, उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता अधिक होगी। और सेकंड स्टेटमेंट में क्या कहा गया, सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया समान ताप के स्रोत व सिंक के मध्य चाहे जितने भी उत्क्रमणीय इंजन काम कर रहे हो हमेशा उन सभी उत्क्रमणीय इंजनों की दक्षता बराबर होगी। अगर मैंने ये कहा कि ये ईटा ए है इसकी दक्षता, इसकी ईटा बी है, इसकी ईटा सी है, इसकी ईटा डी है, तो हमेशा ऐसे समय में कार्नोट थ्योरम के अकॉर्डिंग ये हमेशा इनकी दक्षताएं इक्वल रहेंगी, बशर्ते स्रोत और सिंक का टेम्परेचर इक्वल लिया जाएगा। ध्यान रखना, इसमें क्या गया, क्या कहा गया, मानो मेरा फर्स्ट इंजन उत्क्रमणीय है ईटा ए और सेकंड इंजन क्या है अनुत्क्रमणीय है, तो कार्नोट थ्योरम के अकॉर्डिंग कहा गया कि हमेशा एक कार्नोट साइकिल की दक्षता और सभी कितने भी साइकिल हो सबसे अधिक होती है। ये दो स्टेटमेंट रहे थे कार्नोट थ्योरम के। सबसे पहले तो ये स्टेटमेंट समझ आने चाहिए कि एक्चुअली मैं जब भी तो प्रूफ करेंगे, इसे प्रूफ भी तो करना है, आया कैसे, ये कैसे किया होगा, क्या किया होगा, कोई डायग्राम बनाया होगा, डायग्राम के अकॉर्डिंग कोई चीज काम की होगी, तो ये ध्यान से समझना, ये वाली चीज समझना बहुत जरूरी है कि कार्नोट थ्योरम का स्टेटमेंट आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि किन्हीं दो समान तापों के स्रोत व सिंक के मध्य अगर कोई अनुत्क्रमणीय इंजन और उत्क्रमणीय इंजन दोनों एक साथ काम कर रहे हों तो ऐसे समय में हमेशा जो कार्नोट साइकिल यानी कि जो उत्क्रमणीय इंजन होता है कार्नोट इंजन जो होता है उसकी दक्षता हमेशा किससे, अनुत्क्रमणीय इंजन से क्या होगी, अधिक होगी। और सेकंड क्या था, चाहे दो समान तापों के स्रोत व सिंक के बीच जितने भी उत्क्रमणीय इंजन काम कर रहे हो सबकी दक्षता हमेशा क्या रहती है, बराबर रहती है। ये कार्नोट थ्योरम के दो स्टेटमेंट, दोनों का मतलब वही है, दोनों मतलब यही है क्या, दोनों का सेम मीन है। अब मेरा मेन मतलब है कि मैं इसे प्रूफ करूं और बड़ा ही सिंपल इसका प्रूफ है, एक बार ध्यान से अगर आपने देख लिया तो मेरी गारंटी है ये एक बार में ही समझ में आ जाएगा, और अगर ध्यान से नहीं देखा, स्टेटमेंट समझ में आया या नहीं, स्टेटमेंट में कोई डाउट है दोबारा बताना है, स्टेटमेंट पता होना चाहिए, स्टेटमेंट समझ आया क्यों, ऐसी कौन से सर ने ऊपर से आया, राज उन्होंने बोला अरुण सर ने,
कितने स्टूडेंट है फिर अभी? दो ही स्टूडेंट ने ऐड कर रखा है बस, बाकी सब कोई नहीं है? ये भी तो है, ये रहे। अच्छा, इनकी फीस जमा नहीं हुई इसलिए? फिर क्यों पढ़वा रहे हैं, ये तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, निकल जाएगा। बाद में फीस। अच्छा देखना, अब बात करेंगे कार्नोट थ्योरम की, तो अच्छे से देखिएगा। बहुत ही अच्छा इसका स्टेटमेंट व प्रूफ, बहुत सिंपल है, बहुत प्रूफ, इतना सिंपल है प्रूफ। देखो बहुत ही सिंपल प्रूफ है। मैं यहां पे एक डायग्राम बनाऊंगी जिसके अंदर इंजन काम करवाऊंगी। ये सोर्स है, यहां बच्चों सिंक है, क्या है, ये सोर्स है और ये सिंक है, ठीक है। अब मैंने क्या कहा देखना, माना मेरा कोई एक ले रही हूं मैं रिवर्सिबल इंजन और एक ले रही हूं रिवर्सिबल। एक डायग्राम देखो, ई फॉर इंजन और आई फॉर इरिवर्सिबल, इट मींस अनुक्रमणीय। यहां लिख दूंगी मैं, जहां ई आई इरिवर्सिबल इंजन है बच्चों, मानो इसने स्रोत से, ध्यान समझना, मानो इसने स्रोत से क्यू हीट एब्जॉर्ब की है और इसने यहां कोई कार्य किया है डब्ल्यू, यहां माना कोई कार्य कर दिया, यही तो था। तो अगर मैं इसकी बात करूं देखना, तो इसने हीट कितनी, यहां माना ये क्यू वन है, इसने ये वाली हीट किसको दे दी, सिंक को दे दी, तो इसने टोटल हीट कितनी दी, टोटल हीट मैडम इसमें से सिंक को कितनी हीट दी, इसने सिंक को हीट दी q माइनस डब्ल्यू के बराबर। ध्यान होगा, यानी कि इसने सिंक को हीट कितनी दे दी, q माइनस डब्ल्यू। ये चीज समझ में आई, माना इसका वर्क हो रहा है w, ये एक रिवर्सिबल इंजन है। इसी सेम टेम्परेचर के सोर्स और सिंक के बीच में एक और इंजन कार्य कर रहा है जिसका नाम है रिवर्सिबल इंजन। क्या है रिवर्सिबल इंजन? R फॉर रिवर्सिबल, यहां लिख दूं कोई दिक्कत नहीं है, जहां रिवर्सिबल इंजन है इसका मतलब। ठीक है, यहां पे इसने ये वाली हीट एब्जॉर्ब की, माना सेम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है Q, हीट को तो सेम रखना पड़ेगा, टेम्परेचर इक्वल है, हीट सेम एब्जॉर्ब करेगा। जैसे ही करेगा, मानो इसने वर्क किया W डैश बच्चों, और यहां पे इसने सिंक को कितनी हीट दे दी, Q माइनस W डैश। ये डायग्राम समझ में आना चाहिए जब तो मैं आगे चलूं। अभी ऐड किया होगा आपने इसे, पहले लीव होगी, हाँ मतलब अभी लीव किया होगा, लीव कर रखा होगा ना पहले से, अब ज्वाइन करवाया इसलिए निकल गया। देखो स्टेटमेंट क्या कहता है, या तो इन बच्चों को पूरी मीटिंग के लिए हटा दिया करो कि आज की मीटिंग में ये नहीं रहेंगे, ये मैं सर को बोल के जाऊंगी, या तो फिर बीच में ऐड करने का क्या मतलब, दोबारा से समझाना पड़ेगा, इसे समझाने का कोई मतलब ही नहीं, या तो आगे बढ़ूं या तो फिर इसे दोबारा बताऊं, तो फिर ये तो इन बच्चों का रहने का कोई मतलब ही नहीं है, ये तो स्टार्टिंग समझ में आना चाहिए, तभी तो आएगा, निकल गया वो तो 15 मिनट की क्लास तो मैंने निकाल दी इसमें। अच्छा देखना, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला है कार्नोट थ्योरम के अकॉर्डिंग, एक बार ध्यान से सुन लेना, कि अगर मैंने ये कहा है कार्नोट थ्योरम में कि कोई दो इंजन हैं, कोई दो टेम्परेचर के सोर्स और सिंक हैं जिनका टेम्परेचर समान है, ताप क्या है इन दोनों का, समान है। अगर मैं ये कहूं कि किन्हीं सोर्स और सिंक के समान तापों पर अगर कोई एक तो इरिवर्सिबल इंजन वर्क कर रहा है
और एक रिवर्सिबल वर्क इंजन वर्क कर रहा है, तो हमेशा दक्षता रिवर्सिबल वाले इंजन की अधिक होगी बजाय इरिवर्सिबल की। पहला स्टेटमेंट तो ये था। सेकंड स्टेटमेंट ये था कि मतलब उसका सेकंड पार्ट बनाया है कि ऐसा भी हो सकता है कि समान तापों के स्रोत व सिंक के मध्य जितने भी उत्क्रमणीय इंजन काम कर रहे होंगे सबकी दक्षता हमेशा बराबर होगी। क्या होगी? दक्षता हमेशा बराबर होगी। कहने का मतलब क्या है, जैसे मानो मेरा ये स्रोत है, ये सिंक है, ये क्या है, स्रोत है और सिंक है, मानो, ध्यान समझना, मानो इसके बीच में एक तो रिवर्सिबल इंजन वर्क कर रहा है और एक इरिवर्सिबल इंजन वर्क कर रहा है, तो हमेशा दक्षता रिवर्सिबल वाले की ज्यादा होगी बजाय किसके, इरिवर्सिबल वाले की। ये तो पहला स्टेटमेंट था। सेकंड स्टेटमेंट ये था, माना दो समान तापों के स्रोत या सिंक के बीच में, स्रोत या सिंक के बीच में चाहे जितने भी उत्क्रमणीय इंजन कार्य कर रहे हों उन सब की दक्षता हमेशा बराबर रहेगी। अगर इसको मैंने कहा, क्या कहा है, ये माना E1 इंजन है, माना ये E2 है, माना ये E3 है, तीनों ही रिवर्सिबल हैं, तो इन सब की दक्षता हमेशा क्या रहेगी, बराबर रहेगी। ये थे स्टेटमेंट्स। अब आया कि नहीं आया समझ में, बताओ, अब आया कि नहीं आया समझ में? चलो ठीक है, आगे देखना, इसके आगे बात करेंगे। मानो कि ये मेरा एक सोर्स है, ये सिंक है, देखना, माना कि ये मैंने पहला इंजन लिया है ई इरिवर्सिबल, वो यहां से क्यू हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, और थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग कुछ तो उसका वर्क में चला जाएगा और बाकी बची हुई इसमें से इसको घटा देंगे तो बाकी की हीट किसको दे दी जाएगी, सिंक को दे दी जाएगी। सेम माना मैंने इसी, मैंने बोला टेम्परेचर हमेशा सेम रहेगा, टेम्परेचर सेम रहेगा तो मानते हैं कि इंजन सेम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो देखना जैसे ही यहां से इसने सेम हीट एब्जॉर्ब की, ये रिवर्सिबल इंजन है, रिवर्सिबल इंजन है, तो मानो इसने W डैश बच्चों वर्क किया है, तो इसने हीट कितनी इसको विसर्जित कर दी, Q-W-। एक्चुअली हमें प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि जो रिवर्सिबल इंजन है उसकी दक्षता इरिवर्सिबल वाले से ज्यादा होगी। यही तो स्टेटमेंट है इसका। अब हम कभी कभी क्या करते हैं कि अपोजिट, कॉन्ट्राडिक्शन लेके चलते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन लेने का मतलब क्या है, मैं मानूंगी, मैं ये मान के चलूंगी कि इरिवर्सिबल इंजन की दक्षता रिवर्सिबल इंजन से क्या है, अधिक है, तो प्रूफ करते हैं यहां पे, प्रूफ करिए, देखिए बड़ा ही सिंपल सा, बहुत सरल है, बहुत ज्यादा सरल है, आपको इतना आसान लगेगा। मैंने क्या बोला, मैं ये माना, माना लेट इरिवर्सिबल इंजन की दक्षता रिवर्सिबल इंजन से अधिक है, बाद में मैं इसे प्रूफ करूंगी कि ये जो मैं लेकर चली हूं ये गलत है, तो अगर गलत होगा तो ये सही हो जाएगा। ये मैंने, ये मुझे प्रूफ करना है, ये वाला मुझे प्रूफ करना है, और मुझे गलत किसे सिद्ध करना है, इसको, मैं उल्टा लेकर चल रही हूं, माना ये रिवर्सिबल इंजन की दक्षता रिवर्सिबल इंजन से ज्यादा है। अब देखना, अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं तो जरा बताइए मुझे, अगर इसकी दक्षता निकाली जाए तो क्या आएगी, Q/W ग्रेटर देन, देखते चलना, Q/W ग्रेटर देन, इसकी दक्षता निकालना क्या होगी, हम यही तो करते हैं, जितनी हीट एब्जॉर्ब की वो और जितना वर्क किया वो, इन दोनों का रेशो दक्षता के नाम से जाना जाता है। Q से अगर Q कैंसिल हो गया तो यहां से क्या आया, 1/W ग्रेटर देन 1/W-, आया या नहीं आया, और 1/W/1/W- आया ग्रेटर देन, तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा ना, ये W-W। अब देखना, एक मिनट, ये वैल्यू कम है W के, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये कम है, यानी कि अब क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट करेंगे तो इट मींस क्या होगा, इसका मतलब W-W is greater than
W, एक मिनट रुको, एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं, मैं इसलिए इसको जल्दबाजी में करा दिया। देखो यहां माना मैंने लिया है Q अपॉन W, ये इसकी हीट, ये ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, Q अपॉन W डैश। क्यू डब्ल्यू ग्रेटर देन क्यू अपॉन डब्ल्यू डैश। अब देखो मानो मैंने यहां पे 100 हीट, यहां मैंने क्या किया 100, माना मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले रही हूं, माना मैंने 100 हीट, यहां भी 100 होगी और यहां भी 100 होगी, सेम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है इंजन। अगर ये दोनों सेम हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो आपको पता होगा, अगर मैं वर्क की बात करूं तो जिसकी जितनी ज्यादा दक्षता होती है, जिसकी जितनी ज्यादा दक्षता होती है, यानी कि अगर मैं ये डायरेक्ट भी लेकर चलूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है, ये हटा दूं, मैं डायरेक्ट लेकर चलूं, अगर मैंने इरिवर्सिबल इंजन की दक्षता ज्यादा मानी है और इसकी कम मानी है, तो आपको पता होना चाहिए कि इरिवर्सिबल के द्वारा किया गया वर्क और रिवर्सिबल के द्वारा किए गए वर्क से हमेशा ज्यादा होगा, यानी कि डब्ल्यू विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन डब्ल्यू डैश, होगा या नहीं होगा। अरे जिसकी दक्षता ज्यादा होती है उसके द्वारा वर्क भी ज्यादा किया जाता है, यानी कि कहने का मतलब है मैंने पेपर सेम मार्क्स का रखा है और एक के स्टूडेंट के आए 10 में से 9 नंबर और एक के आए 10 में से 7 नंबर, तो किसने वर्क ज्यादा किया, जिसके 9 नंबर आए, तो दक्षता किसकी ज्यादा हुई, दक्षता किसकी ज्यादा हुई, जिसके नंबर ज्यादा आए हैं। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर इसकी दक्षता ज्यादा है तो इसके द्वारा किया गया काम भी ज्यादा होगा और इसके द्वारा किया गया काम कम होगा, यानी कि ये वाली चीज समझ में आ गई। अब आगे देखो, ये वाली चीज मैंने मान के चल ली कि ये होता है, अब देखना, अब मैं निकालूंगी टोटल हीट, टोटल हीट निकालनी है तो सबसे पहले स्रोत के द्वारा, मतलब टोटल, अब देखना एक चीज, इससे पहले अब मैंने ये चीज तो मान ली, इन दोनों की मैंने इफिशियंसी निकाल ली है। अब देखना अगर ये रिवर्सिबल इंजन है तो इसकी ये भी प्रॉपर्टी हो सकती है कि ये उल्टा भी चल सकता है, ध्यान रखना ये ही चल सकता है क्योंकि ये रिवर्सिबल है। इसको प्रूफ करने के लिए मैं उल्टा मान के चलूंगी, इसका मतलब क्या होगा, मानो इसने सिंक से इतनी हीट एब्जॉर्ब की है और सोर्स को कितनी हीट दे दी, क्यू हीट दे दी, और वर्क कितना किया है डब्ल्यू डैश। ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैंने इसको उल्टा किया है और आपको भी उल्टा करके ही दिखाना है क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज रिवर्सिबल इंजन की माननी पड़ेगी। तो देखना यहां से ये चीज आ गई, अब आप देखो, अब आप देखो सोर्स की हीट निकालते हैं, सोर्स की हीट निकाल के देखना, देखना इसने क्यू हीट इंजन को दी, इसने क्यू हीट इंजन को दी और इन दोनों को कपलिंग कर दूं, ये दोनों मानो एक दूसरे से जुड़ गए, इसने क्या की क्यू हीट एब्जॉर्ब की और इसने वापस सोर्स को क्यू हीट वापस कर दी, यानी कि इसने अगर 100 किलो कैलोरी ऊष्मा अवशोषित की है तो वापस जाकर सोर्स को कितनी दे दी, 100 दे दी, यानी कि सोर्स के लिए हीट डिफरेंस 0 होगा, होगा या नहीं होगा। अब बात करेंगे सिंक की, जो हमारी काम की चीज है, सिंक के लिए देखते हैं, सिंक के लिए देखना, इसने सिंक ने एब्जॉर्ब की क्यू, मैं एरो पर जाओ, सिंक ने एब्जॉर्ब की क्यू माइनस डब्ल्यू की या नहीं की, और इस सिंक ने क्यू माइनस डब्ल्यू डैश इस इंजन को वापस कर दी है, यानी कि वापस चली गई है, यानी कि कितनी वापस कर दी, क्यू माइनस डब्ल्यू डैश। अब इन दोनों का डिफरेंस तो निकालना पड़ेगा तभी तो पता चलेगा कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा। तो जरा एक एग्जांपल से देखते हैं, मानो मानो इसने 100 इसको हीट दी है, इसको मानो इसको भी 100 दी है, तो देखना वर्क किसके द्वारा किया गया ज्यादा है, इसके द्वारा, तो W की वैल्यू हमेशा माना ज्यादा होगी, तो यहाँ पे माना W की वैल्यू 20 है और W डैश की वैल्यू कम होगी तो W डैश की वैल्यू मैंने 10 मान ली, तो ये Q माइनस ये कितना आया 80 और ये कितना आया 90, ज्यादा कौन सा होगा, ये वाला कि ये वाला, यानी कि ये वाला ज्यादा होगा, यानी कि मैं अगर ऐसे निकालू तो टोटल हीट क्या होगी, क्यू माइनस डब्ल्यू डैश माइनस क्यू माइनस डब्ल्यू, ये क्यू से क्यू कैंसिल हो गया और यहां से क्या आया माइनस के डब्ल्यू डैश प्लस के डब्ल्यू, और उसे उल्टा रखें तो डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू डैश। एक्चुअली में ये हीट सिंक के द्वारा, यानी कि टोटल इंजन में ये हीट, टोटल हीट इसने एब्जॉर्ब की है और विसर्जित कर दी है, ये टोटल हीट निकली है। पहले तो ये आना बहुत अनिवार्य है,
ये समझ नहीं आया तो ये मानो ये खत्म है, फिर इसको फिर ये बस अब एक दो लाइन की और प्रूफ रह गई है। पहले बताओ ये आया कि नहीं आया समझ में, चैट ऑन कर रखिए। हाँ तो बताइए आया कि दोबारा बताना है। बताओ जल्दी आ गया कि दोबारा बताना है। अभी आया एक बार अच्छे से देख लो आ गया या नहीं आया। चलिए यानी कि ये हीट आ गई है W माइनस W डैश। अब हमें निकालना है वर्क डन, पूरे सिस्टम में वर्क डन निकालो, वर्क डन निकालो, वर्क डन। जरा देखना ये W वर्क है, ये देखो सिस्टम के द्वारा काम हो रहा है, किसके द्वारा, सिस्टम के द्वारा काम हो रहा है, और ये सोर्स को सिस्टम मानते हैं, जहां एरो जा रहा है बाय द सिस्टम वर्क हो रहा है, बाय द सिस्टम वर्क होगा तो W हमेशा पॉजिटिव, और ये क्या है ऑन द सिस्टम काम हो रहा है, और ऑन द सिस्टम हो तो हमेशा वर्क W डैश। यानी कि टोटल वर्क W माइनस W डैश आया और हीट क्या आई W माइनस W डैश। यानी कि ये कहने का मतलब है कि इसने जितनी हीट एब्जॉर्ब की वो सारी की सारी वर्क डन में यूज हो गई। सेम फॉर्मूले है ना ये, यहां से W माइनस W डैश आया, यहां से भी W माइनस W डैश आया। दोनों इक्वेशन को देखना, जैसे ही इन दोनों इक्वेशन को देखोगे दोनों बिल्कुल बराबर आ रही है, और दोनों बिल्कुल बराबर आ रही है तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि पूरी हीट वर्क में कन्वर्ट हो गई, जो कि ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का कॉन्ट्रडिक्शन करता है, जिसमें ये मानते हैं कि संपूर्ण हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। यानी कि जो मैं लेके चली थी उसे मैं रॉन्ग प्रूव कर चुकी हूं, तो सत्य क्या होगा, सत्य होगा कि रिवर्सिबल इंजन की दक्षता हमेशा इरिवर्सिबल इंजन से अधिक होगी। दैट्स ऑल, ये कार्नोट थ्योरम और कार्नोट थ्योरम का प्रूफ हो गया कि एक्चुअली में होती क्या है कार्नोट थ्योरम, उसका प्रूफ कैसे हम इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। अब बताओ मुझे ये समझ में आया कि नहीं आया कि आगे चलूं, आया कि नहीं आया या आगे चलूं। आया कि नहीं आया, पक्का आ गया। ये ध्यान रखना कि इसको आना उतना ही जरूरी है जितना कहते हैं ना कि खाना खाना जरूरी है, तो कार्नोट थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। सिंपल, होने को तो इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही सरल है। अब आगे चलें तो अब चलते हैं यहां पे एक मतलब मैं मानूं कि एक बैरियर कंप्लीट हो गया, यानी कि कार्नो से रिलेटेड सारी चीजें हम कंप्लीट कर चुके हैं कि आखिर में कार्नोट होता क्या है, कार्नोट के स्टेटमेंट क्या है, कार्नोट थ्योरम के बारे में बात कर चुके हैं, कार्नोट इंजन के द्वारा वर्क डन निकाल चुके थे कि क्या वर्क होगा। आगे बात करेंगे, आगे बात करेंगे एंट्रोपी। अब आगे पूरा चैप्टर एंट्रोपी पर डिपेंडेंट रहेगा, यानी कि अगर मैं बात करूं एंट्रोपी के बारे में तो एंट्रोपी का मतलब क्या है। एक्चुअली में एंट्रोपी को हम एस से व्यक्त करते हैं, एंट्रोपी किसी भी पदार्थ की अस्त व्यस्तता की माप है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जैसे मैं बात करूं कि आपका पानी एक कटोरी के अंदर रखा हुआ है, समझ आ गया। यानी कि अगर मैं बात करूं कि पानी मानो इस बोतल के अंदर है, और अगर मैं इस पानी को जमीन में फैला दूं, या फिर जमीन में ना फैलाऊं तो इसे चौड़े बर्तन में अगर मैं इसे फैला दूं तो इस पदार्थ की बिखर जाएगा। यानी कि उसको यहां पे रहने के लिए इतना स्पेस दे रखा है, और जैसे ही इसे किसी बड़े बर्तन में फैलाओगे तो उसके लिए स्पेस ज्यादा हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है, इस पदार्थ को फैलने के लिए ज्यादा जगह मिल गई।
तो इसका मतलब क्या हो गया कि एंट्रोपी हमेशा फैले हुए पानी के ज्यादा होगी, यानी कि अस्तव्यस्तता की माप जो होती है वो क्या कहलाती है, एंट्रोपी। देखो कैसे, जैसे किसी कक्षा के अंदर, किसी क्लास के अंदर 12-13 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, रिकनेक्ट कर रहे हैं अभी,